नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सायमा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस के अंदर अब एक ऐसी बगावत शुरू हुई है, वो भी ठीक चुनावों के बीच में, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में भयंकर घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी पर हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगता है और किसी भी नेता की वहां पर सुनी नहीं जाती है, और होता वही है जो मंजूर एक गांधी परिवार होता है। इसलिए कांग्रेस की हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है और इस हालत पर पहुंच चुकी है कांग्रेस। लेकिन इस बार कांग्रेस के अंदर जो बगावत की आंधी शुरू हुई है, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है और ना ही रुकेगी। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव का एक चरण का मतदान पूरा हो चुका है, अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। इस बीच में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अंदर आपसी मतभेद लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में 25 को वोटिंग है, यहां लोकसभा के कुल 7 सीटें हैं। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी है और गठबंधन के तहत 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन आपसी खींचतान और विरोध की वजह से पार्टी का चुनाव प्रचार काफी ढीला हो गया है। पार्टी के अंदर के मतभेद भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं, जिससे पार्टी का बीजेपी से मुकाबला काफी कठिन भी नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस में नेताओं का आपसी झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे कांग्रेस पार्टी को भयंकर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस आलाकमान ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है और पूरे झगड़े की जड़ है कन्हैया कुमार। इससे लेकर पार्टी की दिल्ली यूनिट में काफी खींचतान बढ़ गई है। बीजेपी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को एक बार फिर से मौका दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर उत्तर पूर्वी जिले के पूर्व विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी और इसी बैठक में पूरा खेल बिगड़ गया, जिसमें दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया भी शामिल हुए थे, लेकिन ये बैठक बेनतीजा निकली। सूत्रों की अगर माने तो बैठक के दौरान दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेताओं और कन्हैया कुमार के बीच में ऐसी तीखी बहस हुई कि गाली गलौज पर नौबत आ गई। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि एक नेता ने कन्हैया कुमार को ही अपशब्द कह डाले और बैठक में है इस बात का भी उन्हें ख्याल नहीं रहा। हालांकि बैठक में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं और कन्हैया कुमार के बीच में बहस वाली बात को प्रभारी दीपक बाबरिया ने खारिज कर दिया है, लेकिन अपनी गलती कौन बताता है ये तो आप भी जानते हैं। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी से खुश नहीं है पुराने नेता कार्यकर्ता। जैसे ही कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है, उसके बाद से जो सूत्रों से खबर आ रही है उसके मुताबिक आपके साथ गठबंधन और अब कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर दिल्ली कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से कांग्रेस आलाकमान ने जब से कन्हैया कुमार को टिकट दिया है, तब से ही कांग्रेस के स्थानीय नेता उनकी उम्मीदवारी को लेकर तरह तरह की बयानबाजी करने से पीछे नहीं रहे। बगावत की स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिला अध्यक्षों और पूर्व विधायकों की बैठक बुलाई थी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र यानी संदीप दीक्षित भी बैठक में पहुंचे थे और वो मंच पर ना जाकर पूर्व विधायकों और पदाधिकारियों के बीच में बैठ गए। बस यहीं से खटास शुरू हो गई। अरविंदर सिंह लवली ने संदीप दीक्षित को मंच पर बैठने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। तब कन्हैया कुमार ने उनसे मंच पर आने के लिए कहा, जिस पर संदीप दीक्षित बुरी तरीके से भड़क गए। सूत्रों के मुताबिक जो खबर है उसमें ये बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान ही उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी से कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट सीट के अलावा दिल्ली की बाकी सीटों पर भी भारी नुकसान होने वाला है। कन्हैया कुमार पर भड़के संदीप दीक्षित। जैसे ही संदीप दीक्षित ने कन्हैया कुमार को लेकर कहा कि कांग्रेस को नुकसान होगा, इस पर कन्हैया कुमार ने पलटवार करते हुए संदीप दीक्षित से कहा कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। इतना सुनते ही संदीप दीक्षित भड़क गए। सूत्रों के माने तो उन्होंने कन्हैया कुमार को अपशब्द कह डाले। इसके बाद दीपक बाबरिया और संदीप दीक्षित के बीच में बहस हो गई और बैठक का कुछ भी नतीजा नहीं निकला। फिर कन्हैया कुमार वहां से निकल गए। हालांकि दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि बैठक 7 सीटों पर चुनाव प्रचार की गति को तेज करने और नई रूपरेखा को तैयार करने के लिए बुलाई गई थी।
बैठक में तीनों लोकसभा सीटों जिसमें आपके साथ सीट बंटवारे में कांग्रेस दिल्ली की 3 सीटों पर लड़ रही है, पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी नाराजगी और बगावत को रोकने के लिए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की ये जो बैठक बुलाई गई थी उनके द्वारा वो बेनतीजा रही। बैठक की शुरुआत होते ही नेताओं के बीच में खूब बहस शुरू हो गई। दरअसल बैठक में वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित के पहुंचते ही जो बवाल खड़ा हुआ वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जिस तरीके से कन्हैया कुमार को उन्होंने अपशब्द कहे हैं ऐसा दावा किया जा रहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में घमासान मचना तय माना जा रहा है। दरअसल अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने जब संदीप दीक्षित को मंच पर बुलाया तो साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। और उसके बाद में जब कन्हैया कुमार बोलते हैं तो संदीप दीक्षित बुरी तरीके से भड़क जाते हैं और अपनी भाषा पर जो नियंत्रण है वो पूरी तरीके से खो देते हैं और कन्हैया कुमार को अपशब्द कह डालते हैं और कांग्रेस को भारी नुकसान होगा कन्हैया कुमार की वजह से, ये भी संदीप दीक्षित अपने बयान में कहते हैं। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो बैठक होती है वो पूरी तरीके से स्थगित हो जाती है, यानी कि यूं कह लीजिए कि वो बेनतीजा साबित हो जाती है और उसका कोई भी नतीजा कांग्रेस के लिए नहीं निकलता है। एक तरफ बीजेपी जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है और जब कन्हैया कुमार का मुकाबला सीधा सीधा मनोज तिवारी से है तो ऐसे में कांग्रेस की इस तरीके से प्रचार करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उन्हें भारी पड़ सकता है और उसका खामियाजा भी कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अंतर कला से जूझ रही है कांग्रेस, बीजेपी कार्यकर्ता ग्राउंड पर उतरे। दरअसल बेशक ही कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट देकर कांग्रेस जीत का दम भर रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता चुनाव लड़वाते हैं। कन्हैया कुमार युवा नेता हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, साथ ही पूर्वांचली भी हैं और बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी को सीट पर अच्छी टक्कर भी दे सकते हैं। लेकिन स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता और पूर्व विधायक उनकी उम्मीदवारी से खुश ही नहीं है। कांग्रेस कैडर में इस अंतरकला का फायदा बीजेपी को साफ तौर पर हो सकता है। बीजेपी कार्यकर्ता ग्राउंड पर हैं और पार्टी का पूरा संगठन मजबूती के साथ मनोज तिवारी को जताने में लगा हुआ है। एक चीज और जो कन्हैया कुमार के खिलाफ जा सकती है वो है पूर्व में जेएनयू में हुई देश विरोधी नारेबाजी, जिसे बीजेपी मुद्दा बना सकती है। एक तरफ तो कांग्रेस में भयंकर बवाल मचा हुआ है, नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन को भी जोरदार झटके लग रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने भी विपक्षी पार्टियों को जबरदस्त तरीके का झटका दे दिया और कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा दी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो दिल्ली में इंडिया गठबंधन का समर्थन करती हैं, उन्होंने बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट दलों के साथ सीट शेयरिंग पर कोई समझौता नहीं किया है, इसका खुलासा भी खुद उन्होंने कर दिया। टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने और बीजेपी से मुकाबला करने को ममता बनर्जी मुखर रही हैं। वहीं अब उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा बयान दे दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 3 सीटों पर मतदान हुआ। दूसरी तरफ बंगाल के ही मुर्शिदाबाद में एक रैली में बोलते हुए ममता बनर्जी ने यही कह दिया कि पर्दे के पीछे कांग्रेस और सीपीएम बीजेपी का ही समर्थन करते हैं। ममता बनर्जी ने सहयोगी विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम इंडिया में हैं, हमें वोट दें, इंडिया यहां नहीं केवल दिल्ली में ही है, कांग्रेस और सीपीआईएम यहां इंडिया गठबंधन नहीं है, यहां वो बीजेपी की सपोर्टर है, उनके लिए एक वोट का मतलब बीजेपी के लिए 2 वोट है। बंगाल में कोई भी समर्थन नहीं, दरअसल ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके यानी कांग्रेस लेफ्ट के लिए एक भी वोट ना डालें। ममता ने कहा कि आने वाले दिनों में हम विपक्षी गठबंधन भारत का नेतृत्व करेंगे, लेकिन बंगाल में सीपीआईएम और कांग्रेस बीजेपी के ही एजेंट है, इसलिए मैं यहां उनका समर्थन नहीं करूंगी। आपको बता दें कि टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। हालांकि सीपीआईएम ने पहले कहा था कि वो टीएमसी और कांग्रेस दोनों से लड़ेगी, लेकिन इन दोनों दलों के बीच में बातचीत फेल होने के बाद उसने अपना रुख बदल लिया। गौरतलब है कि ममता ने यह टिप्पणी मुर्शिदाबाद में एक चुनावी रैली के दौरान कही है। ये एक ऐसा जिला है जहां पर सीपीआईएम कांग्रेस गठबंधन को मजबूत माना जा रहा है। बंगाल के सागर दीघी में सीपीआईएम कांग्रेस ने पिछले साल ही उपचुनाव में टीएमसी को हराया था। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम भी बरहामपुर और मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यहां ममता की रणनीति इन दोनों
दोनों ही सीटों को कब्जाने की मानी जा रही है। इससे पहले ही ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटर्स से भी साफ तौर पर मुर्शिदाबाद में अपील की थी, जो प्रवासी मजदूर ईद मनाने के लिए बंगाल आए हैं वो वोट देकर ही वापस लौटे, वरना उनके आधार कार्ड के साथ ही उनकी नागरिकता भी छिन सकती है। इस तरीके का बयान भी उन्होंने दिया था। हालांकि कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि जो विपक्षी गठबंधन की ताकत चुनाव से पहले तक दिखाई दे रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और सभी ने अपना अलग अलग रास्ता चुन लिया है। और ये भी साबित हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ फोटो शूट के लिए ही विपक्षी पार्टियों ने मंच को साझा किया था, जिसके नतीजे अब सबके सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को जोरदार झटकों पर झटके लगते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।